नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंकित और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिटोप टीवी में आज हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी जानकारी क्लब फुट के विषय में है आज हम आपको बताएँगे कि क्लब फुट क्या होता है क्यों होता है और इससे कैसे बचना चाहिए और इसको होने के बाद इसके क्या क्या उपचार हैं क्लब फुट क्लब फुट का मतलब है जन्म से ही बच्चे के पैर अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मुड़े होना ये समस्या बच्चे के एक पैर में भी हो सकती है और 50% परसेंट बच्चों में ये समस्या दोनों पैर में भी पाई जाती है क्लब फुट की समस्या कोई कॉमन समस्या नहीं है ये एक रेयर प्रॉब्लम होती है ये 700-800 बच्चों में एक या दो बच्चों को देखने को मिलेगी क्लब फुट को मेडिकल भाषा में सी ई टी वी यानी कि कंजेनेटिल टेलिप्स इविनोवेरस कहा जाता है क्लब फुट का पता प्रेगनेंसी के दौरान ही लग जाता है अल्ट्रासाउंड जब होते हैं प्रेगनेंसी में तो उसी दौरान पता लग जाता है कि बच्चे का पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है लेकिन उस दौरान कुछ किया नहीं जा सकता बच्चे के जन्म होने के बाद इसका इलाज शुरू किया जाता है बच्चे के जन्म होने के बाद आप तुरंत ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलिए और इसका इलाज कराइए अब आपको बताते हैं कि क्लब फुट होने का क्या कारण है देखिए आज तक भी कोई भी डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाए हैं कि क्लब फुट होने का एक्चुअल कारण क्या है लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सलाह यही देते हैं कि प्रेगनेंसी में अल्कोहल ना लें धूम्रपान बिल्कुल ना करें और ये एक जेनेटिक समस्या भी हो सकती है अगर फैमिली में किसी को पहले क्लब फुट रहा है तो हो सकता है उसकी फैमिली में किसी को क्लब फुट हो लेकिन कोई एक्चुअल कारण अभी तक नहीं पता है कि क्लप फुट क्यों होता है लेकिन फिर भी आपको पूरी तरीके से अपनी देखभाल रखनी चाहिए अच्छे से खाना पीना चाहिए और अच्छे वातावरण में रहना चाहिए और धूम्रपान एल्कोहल ये सब चीज़ें एवॉइड करनी चाहिए क्लब फुट के इलाज के लिए डॉक्टर्स कास्टिंग करते हैं यानी कि बच्चों के पैरों में प्लास्टर लगाते हैं प्लास्टर लगाने के कई स्टेप्स होते हैं यानी कि कई हफ्ते तक प्लास्टर को बार बार लगाया जाता है ताकि धीरे धीरे बच्चे के पैर को उसकी एक्चुअल पोजिशन में लाया जाए लेकिन कई गंभीर मामलों में जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है उनमें कई बार सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है प्लास्टर की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बच्चों में विशेष जूते यानी कि बूट्स की, की आवश्यकता भी पड़ती है जो डॉक्टर साहब को बता देंगे कि आपके बच्चे को ये बूट्स चाहिए इस टाइप के चाहिए वो सब कुछ आपको समझाएंगे बस आप उनके संपर्क में बने रहें जन्म होने के तुरंत बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें वो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे को क्या समस्या है और इसका कैसे इलाज करें बिल्कुल घबराएं नहीं पैनिक ना हो और पूर्वक बच्चे का इलाज कराएं ताकि आपका बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पे चल सके अगर आप बच्चे का इलाज नहीं कराएंगे बच्चे को क्लब फुट है और आप उसका इलाज नहीं करा रहे हैं तो बच्चा कभी भी अपने पैरों पर पे नहीं चल पाएगा तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लापरवाही में ना लें आपको जरा सा भी लग रहा है बच्चे का पैर टेढ़ा है या कोई भी दिक्कत है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें दोस्तों हमने आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उम्मीद है कि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं जल्दी मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार